एक तरफ जहां सुपर हीरो मूवीज का यूनिवर्स एक्सपांड होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जायंट मॉन्स्टर का यूनिवर्स भी पीछे नहीं है। सुपर हीरो मूवी की तरह इनमें भी अब सीरीज की कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो चुकी है और नए नए मॉन्स्टर्स हमें दिखाए जा रहे हैं। फैंस की डिमांड देखते हुए गॉडज़िला वर्सेस कांग मूवी को बनाया गया है और आज हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घर बैठे स्टॉक मार्केट से ढेरों पैसे कमाना चाहते हो तो अपस्टॉक्स डाउनलोड कर लीजिए। अपस्टॉक्स को रतन टाटा जी ने फंड किया हुआ है तो काफी ट्रस्टेड ब्रोकर है, साथ ही इसके प्ले स्टोर पे 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है। तो क्या सोच रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस मूवी की स्टोरी गॉडज़िला 2 मूवी की 5 साल बाद की है। गिदोरा को मारने के बाद से गॉडज़िला शांत है और पिछले 5 साल में किसी दूसरे टाइटन ने यहाँ हमला नहीं किया। दूसरी तरफ मोनाक के साइंटिस्ट कोंग का ध्यान रख रहे थे। कोंग अभी भी स्कल आइलैंड पे है, पर वहाँ का मौसम अब बड़ा खराब हो गया है, इसलिए उन्होंने आइलैंड के आसपास एक बड़ा सा डोम बनाया है, पर कोंग को यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रखा जा सकता। दूसरी तरफ एपेक्स साइबरनेटिक, जो कि एक बहुत बड़ी टेक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ काम करने वाले आदमी बनी को शक हो रहा था कि एपेक्स वाले कुछ गलत काम कर रहे हैं, इसीलिए वह अपनी कंपनी में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और वह इस बारे में इंटरनेट पर एक पॉडकास्ट कर रहा था। वन दिन बर्नी को वहाँ कंप्यूटर में कुछ अजीब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिससे उसका शक और गहरा हो जाता है, पर तभी इस कंपनी पर गॉडज़िला हमला कर देता है। जिससे वो जगह तबाह हो जाती है, कई लोग मारे जाते हैं, लेकिन बनी वहां से बच के निकल जाता है। शहर के सभी लोग इस बात से हैरान थे कि गॉडज़िला, जिसे इंसानों का रक्षक कहा जाता है, उसने अचानक हमला क्यों किया, पर बनी को यकीन था इसके पीछे अपेक्स वालों का हाथ है, इसलिए वह अपने पॉडकास्ट में यह सब बातें बोल देता है। इसी दौरान मेडिसिन रूसल, जो की मोनाक के एक साइंटिस्ट की बेटी है, वह बनी का पॉडकास्ट सुन रही थी और उसे बनी की बातें सच लग रही थी। मतलब गॉडज़िला किसी पर बेवजह हमला नहीं करता और उसे जरूर कोई भड़का रहा है, इसलिए मेडिसिन अपने दोस्त के साथ मिलकर बनी को ढूंढना शुरू कर दी है ताकि उसे सच पता चल सके। दूसरी तरफ अपेक्स कंपनी का बॉस वाल्टर सिमोन्स मोनाक साइंटिस्ट नेथन लिन के पास जाता है और उसे बोलता है कि गॉडज़िला इस वक्त दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है और उसे रोकना बहुत जरूरी है। वाल्टर यह बताता है कि गॉडज़िला को रोकने के लिए अपेक्स वालों के पास एक हथियार है, मगर उस हथियार को चलाने के लिए उन्हें एक खास एनर्जी की जरूरत है, जो कि होलो अर्थ में मौजूद है। होलो अर्थ एक ऐसी जगह है जो कि धरती के नीचे है और बिल्कुल ही अलग दुनिया है, और वहीं पर सभी टाइटंस का जन्म हुआ था, पर वहां पर आज तक कोई गया नहीं है, इसीलिए ज्यादातर लोग होलो अर्थ को सिर्फ एक कल्पना समझते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे बिल्कुल सच मानते हैं। इनमें से एक था नेथन लैंड, जिसने होलो अर्थ पर किताब लिखी थी। वाल्टर सिमंस को भी होलो अर्थ में यकीन था और उसने अपने सैटेलाइट से यह पता लगाया था कि उस जगह पर एक खास एनर्जी सोर्स है और अगर वह एनर्जी उन्हें मिल जाए तो उससे वो गॉडज़िला को रोक सकते हैं। वाल्टर यह चाहता था कि नेथन होलो अर्थ तक पहुंचने में उनकी मदद करे, क्योंकि उसे उस जगह की अच्छी जानकारी है। एपेक्स वालों ने होलो अर्थ में जाने के लिए एक स्पेशल शिप भी बनाया था, जिससे रिवर्स ग्रेविटी को पार करके वहां जाया जा सकता था। नेथन इस काम के लिए तैयार हो जाता है, पर होलो अर्थ में जाना बहुत रिस्की था क्योंकि वहां बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर थे जो कि इंसानों को मार सकते हैं, और उस एनर्जी सोर्स को ढूंढना भी काफी मुश्किल है, इसलिए नेथन मोनाक की साइंटिस्ट आयलिन से मदद मांगता है। नेथन को इस काम के लिए कोन की जरूरत थी ताकि होलो अर्थ की मुसीबतों से उन्हें कोई बचा सके और वह एनर्जी ढूंढने में उनकी मदद कर सके। आयलिन इस काम के लिए तैयार हो जाती है। आयलिन जिया नाम की बच्ची की मदद से कौन को मनाती है। जिया स्कल आइलैंड पे रहने वाले कबीले की एक लड़की थी, उसके परिवार के लोग तूफान में मर गए थे, तब से कौन और आयलिन उसका ख्याल रख रहे हैं। वो बोल नहीं सकती है पर इशारों में बात करती है, पर कौन उसकी भाषा समझता भी है और उसकी बात मानता भी है। जिया कौन को स्कल आइलैंड से निकलने के लिए राजी करती है। मोनाक और एपेक्स के लोग कौन को एक समुद्री जहाज से अंटार्कटिका ले जाने लगते हैं। अपेक्स ने अंटार्कटिका में पहले से एक सुरंग बना रखी है होलो अर्थ में जाने के लिए। कोन को अंटार्कटिका ले जाने का सफर बहुत खतरनाक था क्योंकि गॉडज़िला को पहले ही कोन की भनक लग गई थी। गॉडज़िला कोन की तलाश में जहाज तक पहुंच गया और हमला कर दिया। गॉडज़िला और कोन की प्रजाति में हमेशा से दुश्मनी रही है और दोनों खुद को दूसरे से बेहतर साबित करना चाहते हैं।
इसलिए गॉडज़िला जहाज पर पहुंच के कोंग को मारने लगता है। कोंग भी उसे मारने लगता है पर उसे बेहोशी की दवा दी गई थी और पानी में होने की वजह से कोंग कमजोर पड़ने लगता है। गॉडज़िला कोंग पे भारी पड़ने लगा। गॉडज़िला को वहां से भगाने के लिए उस जहाज से सभी लोग अपने सभी सिस्टम को ऑफ कर देते हैं, जिससे गॉडज़िला को लगता है कि उन्होंने हार मान ली है और वो वहां से चला जाता है। पर खतरा अभी टला नहीं, क्योंकि गॉडज़िला वहां फिर से हमला कर सकता था, इसलिए कोंग को समुद्री रास्ता छोड़कर हेलीकॉप्टर से अंटार्कटिका ले जाते हैं। दूसरी तरफ मैडिसन अपने दोस्त के साथ बनी को ढूंढ लेती है और फिर तीनों मिलकर कंपनी में घुसते हैं। वहां उन्हें एक सीक्रेट बेस मिलता है जहां एक अंडरग्राउंड ट्रेन भी थी। वो तीनों गलती से उसमें फंस जाते हैं और ट्रेन से हांगकांग पहुंच जाते हैं। हांगकांग में एपेक्स कंपनी की एक ब्रांच चल रही थी और उनके पास एक रोबो गॉडज़िला यानी मेका गॉडज़िला है। वहां उसकी टेस्टिंग चालू थी। वहीं पे किंग गिदोराह का सर भी पड़ा हुआ था जिसका इस्तेमाल करके वो मेका गॉडज़िला को कंट्रोल कर रहे थे। मेका गॉडज़िला बहुत शक्तिशाली था पर एपेक्स के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो उसे ज्यादा देर तक चला सके। इसी कमी को दूर करने के लिए वाल्टर सिमन्स को वो एनर्जी सोर्स चाहिए था जो होलो अर्थ में है। दूसरी तरफ मोनाक वाले कोन को लेकर अंटार्कटिका पहुंचते हैं। फिर जिया कोन को समझा कर सुरंग के अंदर भेजती है और बाकी सब लोग भी अपेक्स की शिप में बैठकर कोन के पीछे जाते हैं। काफी गहराई में जाने के बाद जैसे ही वो रिवर्स ग्रेविटी को पार करते हैं तब वह होलो अर्थ में पहुंच जाते हैं। वहां पर आज भी बहुत सारे डायनासोर और काफी अजीब प्राणी मौजूद थे। कोंग उन सब प्राणियों से अपनी टीम को बचाते हुए एक बड़े से महल तक पहुंचता है। वो महल कोंग के पूर्वजों का था। उसे देखकर आयलिन समझ में आता है कि हजारों साल पहले गॉडज़िला और कोंग की प्रजाति में एक लड़ाई हुई थी जिसमें जीत कोंग की प्रजाति की हुई थी और उसके बाद से ही होलो अर्थ में कोंग के पूर्वजों का राज स्थापित हो गया था। पर अब कोंग और गॉडज़िला दोनों की प्रजाति पूरी तरह खत्म हो चुकी है और वह दोनों अपनी अपनी प्रजाति के आखिरी जिंदा जीव है। कोंग जब उस महल में जाता है तो वहां उसे कुल्हाड़ी मिलती है जो गॉडज़िला के प्लेट से बनी थी। कोंग की पूर्वजों ने जब गॉडज़िला को हराया था तब उन्होंने उसकी बॉडी पार्ट से ये कुल्हाड़ी बनाई थी जिससे गॉडज़िला को मारना और भी आसान हो गया था। फिर जब कोंग कुल्हाड़ी को जमीन पे रखता है तब होलो अर्थ का वो एनर्जी सोर्स एक्टिवेट हो जाता है और उससे वह कुल्हाड़ी चार्ज हो जाती है। मोनाक वाले इस खोज से बहुत खुश थे पर एपेक्स वालों ने वह कब्जा करने की ठान ली थी। फिर वाल्टर सिमन्स की बेटी माया एनर्जी सोर्स को स्कैन करके उसकी इन्फॉर्मेशन हांगकांग भेजती है ताकि उसके पिता एनर्जी को कॉपी कर सके। एपेक्स का मिशन अब पूरा हो गया था इसलिए माया मोनाक वालों को मारकर वहां से भागने वाली थी। इसी दौरान गॉडज़िला हांगकांग पहुंच गया था और एनर्जी सोर्स एक्टिवेट होते ही गॉडज़िला को महसूस हो जाता है कि होलो अर्थ में कुछ गड़बड़ है। क्योंकि गॉडज़िला भी उसी से बना था इसलिए वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ से होलो अर्थ तक एक सुरंग बना देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर माया अपने साथियों के साथ सुरंग से भागने की कोशिश करती है पर कोंग को पता लग गया था कि एपेक्स के लोग बुरे हैं क्योंकि उन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी, इसलिए कोंग उन्हें मार डालता है। फिर कोंग कुल्हाड़ी लेकर सुरंग से हांगकांग जाता है गॉडज़िला से लड़ने के लिए। नेथन, आयलिन और जिया अपने शिप से उसके पीछे जाते हैं। फिर गॉडज़िला और कोंग में लड़ाई शुरू होती है। इस बार कोंग अपने हथियार की मदद से गॉडज़िला पर भारी पड़ जाता है और उसे हरा देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद गॉडज़िला फिर खड़ा हो जाता है। लेकिन कोंग के कुल्हाड़ी की शक्ति खत्म हो गई थी इसलिए गॉडज़िला कोंग का बुरा हाल कर देता है और उसे मरने के लिए छोड़कर वहां से जाने लगता है। उधर अपेक्स वाले होलो अर्थ की उस ऊर्जा को कॉपी कर लेते हैं और वो उससे मेका गॉडज़िला को एक्टिवेट करना शुरू करते हैं। उस दौरान वह के गार्ड मैडिसन, मैडिसन के दोस्त और बनी को पकड़ लेते हैं और वह तीनों को वाल्टर सिमन्स के पास ले जाते हैं। वहां पर उन तीनों को वाल्टर सिमन्स का प्लान पता चलता है। वाल्टर का मानना था कि गॉडज़िला और बाकी सभी टाइटन दुनिया के लिए खतरा है, इसलिए उन्हें मारने के लिए मेका गॉडज़िला बनाया था, पर सच तो ये था कि यह टाइटन कुदरत का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी थे और उन्हें मारना गलत था। मेडिसन को यही समझ में आता है कि गॉडज़िला ने एपेक्स पर बेवजह हमला नहीं किया था। एपेक्स वालों के पास गिदोराह का सर था जिससे वो मेका गॉडज़िला को कंट्रोल कर रहे थे।
और क्योंकि गिदोरा एक बुरा टाइटन था, इसलिए उसकी मौजूदगी का एहसास होने पर गॉडज़िला ने हमला कर दिया। और बाद में जब एपेक्स ने हांगकांग में मेका गॉडज़िला की टेस्टिंग शुरू की तो उसकी वजह से गॉडज़िला हांगकांग पहुंच गया। वॉल्टर मेका गॉडज़िला के मध्य से असली गॉडज़िला को मारने वाला था, पर जैसे ही उस रोबोट में होलो अर्थ की एनर्जी डाली जाती है तो उससे गिदोरा के सर में जान आ जाती है। फिर उस रोबोट का पायलट मर जाता है और अब गिदोरा की कॉन्शियसनेस यानी कि आत्मा मेका गॉडज़िला में चली आती है और वह अपने आप काम करने लगता है। फिर वह वॉल्टर सिमंस को मार डालता है और वह हांगकांग में तबाही मचाना शुरू करता है। मेका गॉडज़िला को तबाही मचाता देखकर असली गॉडज़िला उसे रोकने के लिए आता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, लेकिन कोन के साथ हुई लड़ाई से गॉडज़िला थक चुका था इसलिए वो रोबोट से हारने लगता है। दूसरी तरफ कोन बेहोश पड़ा था और उसकी धड़कन धीमी हो रही थी, इसलिए कोन को जगाने के लिए नेथन उस शिप को कोन की छाती पे रखकर ब्लास्ट कर देता है, जिससे कोन को होश आ जाता है। फिर जिया उसे समझाती है कि गॉडज़िला उसका दुश्मन नहीं है बल्कि मेका गॉडज़िला दुश्मन है। फिर कोन वहां जाकर गॉडज़िला की मदद करता है क्योंकि वह दोनों थक गए थे, इसलिए मेका गॉडज़िला उन्हें अच्छी टक्कर दे रहा था। उधर मेडिसन और उसके साथी मेका गॉडज़िला के कंप्यूटर को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, जिससे वह कुछ पलों के लिए रुक जाता है। तभी गॉडज़िला अपनी एटॉमिक ब्रीथ से कोन के कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है और फिर कोन अपने इस सुपर चार्ज हथियार से मेका गॉडज़िला के टुकड़े कर देता है। लड़ाई के बाद गॉडज़िला और कोन अपनी दुश्मनी भूल कर एक दूसरे को इज्जत देते हैं और वह दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। बाद में मोना कोन को होलो अर्थ में छोड़ देते हैं और वहां पर अपना एक बेस बना लेते हैं ताकि वह होलो अर्थ की स्टडी कर सके और कोन पर नजर रख सके। और अब कोन होलो अर्थ का किंग कोन बन चुका है। तो आपको ये गॉडज़िला वर्सेस कोन की एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी भी अपस्टॉक्स डाउनलोड नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से डाउनलोड कीजिए और स्टॉक मार्केट से खूब पैसा कमाएं। ऐसी अमेजिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारे वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।